जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि भर्ती चल रही है, हर जगह भर्ती चल रही है, और अब इस समय भर्ती जो चल रही है वो मुझे लगता है कि बरेली वाली चल रही है और एक भर्ती कोटद्वार की, हाँ कोटद्वार की चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि भर्ती में चल क्या रहा है। जिन्होंने दोबारा दसवीं की हुई है, मैं उनके लिए एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर बता देता हूँ। कि बुरी खबर ये है कि आप लोग बहुत पूछ रहे हैं कल से कि आपने जो वीडियो डाल लिया उसमें गड़बड़ है, कि दसवीं वालों के लिए क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डी न्यूज़ भारत के माध्यम से, जो डी न्यूज़ भारत एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसके माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अग्निवीरों की भर्तियाँ चल रही हैं। देखो आरोप स्पेशल उन युवाओं के लिए है जो दोबारा दसवीं पास करके सेना भर्ती में शामिल होने पहुंचे हैं या भर्ती में शामिल होने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी यही गलती करने जा रहे हैं तो आप तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दोबारा दसवीं की हुई है और पहले भर्ती लगाई हुई है, मतलब दोबारा दसवीं की है और उससे पहले भर्ती आपने मार रखी है और आपका आधार कार्ड स्कैन हुआ है, अंदर बायोमेट्रिक आपकी हुई है, तो आप लोग थोड़ा सावधान हो के जाएं भर्ती में, ज़रूर जाएं, लेकिन थोड़ा सावधान हो जाएं। या कोई ऐसा सिस्टम है आपके पास जो आप इस सिस्टम को फेल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल एकदम अलर्ट होके जाना है आप लोगों को भर्ती में। आप लोग बिल्कुल भी, और डरना तो है ही नहीं कि भाई आप डर के एक बात बोल दे कि भाई मतलब भर्ती में नहीं जाएंगे। जब आप जाओगे नहीं तो देखेगा भर्ती कौन। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मैटर ये बता रहा हूँ कि मैटर है क्या, कि अगर आपने दोबारा दसवीं की है और आपने पहले दसवीं जो किया हुआ है उससे रेस मार रखा है और आपका अंदर बायोमेट्रिक हुआ है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर अदर जिले की भर्ती आप देख रहे हैं और अगर अपने जिले की भर्ती देख रहे हैं, आपका बायोमेट्रिक हुआ है, तो आपको एक चांस छूट मिल सकती है। वो छूट क्या है? वो छूट ये है कि आपके ऊपर अभी तक आर्मी कोई केस नहीं लगा रही है। जो भी बच्चे बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दसवीं दोबारा की थी, कोई बात नहीं, तुक्का लग जाए तो लग जाए, केस तो चल ही नहीं रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अलर्ट होके, सावधान होके, सतर्क होके आप अंदर जाना और आप रेस मारने के बाद जो बायोमेट्रिक होता है उसमें अगर आपने भर्ती नहीं मारी है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपने भर्ती मारी हुई है, मैं आपको सही तरीके से समझा दूं कि अगर जैसे आपने पहले दसवीं की, आपने उससे रेस नहीं लगाई, तो आप अंदर नहीं गए, आप अंदर बायोमेट्रिक नहीं हुआ, दोबारा दसवीं कर ली, आपकी उम्र निकल गई थी, दोबारा दसवीं कर ली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दोबारा दसवीं की है और पहली दसवीं से रेस मार रखे, तो आपको बायोमेट्रिक हुआ है और बायोमेट्रिक होने के बाद आपकी सारी डिटेल्स आँखों की रेटिना से खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों, आप सतर्क होकर जाए रेस मारने के बाद, अपना जैसे भी सिस्टम हो, अपना सिस्टम आप तैयार कर सकते हैं किसी के भी थ्रू, और जैसे भी आपका कोई जानकार है, जैसे भी आपको कोई जानने वाला है, तो दोस्तों आप जाएं जरूर, भर्ती देखें जरूर। अगर आप जाओगे ही नहीं तो भर्ती देखेगा कौन? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं और एक महत्वपूर्ण जानकारी और देने वाला हूं आपको। कल को जो टाइम ट्रायल होगा, जो मेन टाइम ट्रायल है, वो 7:30 बजे होगा। जो मेन टाइम ट्रायल है वो 7:30 बजे होगा, एक टाइम ट्रायल 7 बजे होगा, जिससे कि ज़्यादा बच्चों को भीड़ हो जाएगी 7:30 बजे। तो 7 बजे हम नॉर्मल एक टाइम ट्रायल लेंगे, और जो भाई अगर 7 बजे देना चाहता है वो 7 बजे आकर टाइम ट्रायल दे सकता है। जो भाई 8 बजे 7:30 बजे आकर टाइम ट्रायल देना चाहता है वो 7:30 बजे दे सकता है। तो टाइम ट्रायल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और खेल भावना लेकर आए भाई। कोई भी भाई अपने मन में द्वेष और ये नहीं लेकर आए, क्योंकि डबल टाइम ट्रायल किस लिए लिया है? डबल टाइम ट्रायल इसलिए लिया है कि अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो दो टाइम ट्रायल में भागेंगे तो वो गिरेंगे नहीं, भर्ती के नज़दीक हो। अगर एक टाइम ट्रायल में ज़्यादा बच्चे गिर गए, किसी के चोट लगी, तो भर्ती नज़दीक है। हमें दोष दोगे आप कि भाई आप लोगों ने जो टाइम ट्रायल कराया वो एक साथ करा दिया, उसमें 300 बच्चे थे, उसमें चोट लग गई और हमारी भर्ती आपने छीन ली। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करने के हैं हम आपकी सेफ्टी के लिए और आपके साथ के लिए ही तैयार हैं हर समय। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो वर्कआउट है वो वर्कआउट है लॉन्ग रेस, 30 मिनट लॉन्ग रेस है। आपको थोड़ी सी वीडियो देना चाहूँगा और जो मैंने भर्ती की आपको जानकारी दी है वो भर्ती की जानकारी बहुत ही क्लासिफाइड जानकारी है। दोस्तों, आप कमेंट्स करके और भी पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
भाई 30 मिनट रनिंग चल रही है सिलो, कल का टाइम ट्रायल है, तो भाई सब बच्चे 30 मिनट रनिंग कर रहे हैं। हमारे शिवम भैया पेंगे से, डीजे भैया मोदीनगर से, अब भैया सब मेहनत कर रहे हैं। देखो कल का टाइम ट्रायल है, महा टाइम ट्रायल मतलब जंग है एक तरह की। देखो भाई क्या होता है कल को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर प्यार दें और भैया अपना टाइम ट्रायल दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश करें भैया, क्योंकि ये टाइम ट्रायल जो कुछ अलग होने वाला भाई। और भाई दो टाइम ट्रायल होंगे, एक क्या नाम है 7 बजे होगा, एक 7:30 बजे होगा, तो इसे में भी आकर आप टाइम ट्रायल दे सकते हैं। देखो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया मेहनत कर रखी है लड़कों ने, और मेहनत क्या भैया कल को पता चल जाओगी मेहनत की, तो टाइम ट्रायल है सबका पता चलेगा, लाल पेले काले हमारे जैसे भी हैं ये, देखो मुस्कुरा रहे हैं, पर कल को इनकी किसी की भी मुस्कुराहट नहीं दिख रही है भैया। आज से ये साल से करवट लेकर सोएंगे, नींद अद्धों को आओगी अद्धों को ना आवे, पर फिर भी बहुत मेहनत कर रखी है लड़कों ने। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्यार दे भैया वीडियो को, बहुत बढ़िया। भाई दो ग्रुप में रनिंग चल रही है, 30 मिनट सिलो, जो हमारा सेकंड ग्रुप है, लड़के पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई, कुछ लड़के आए नहीं, कल का टाइम ट्रायल है इसलिए रेस्ट है लड़कों का, पर यो मन का बहम है भाई कि नुहात एक दिन का रेस्ट लेकर कल को या जैसे भी है टाइम ट्रायल है कि बॉडी बढ़िया चलेगी, सबका अपना अपना हिसाब है। अब भैया और देखो कल को क्या जोर भरते हैं लड़के, जो भैया हमारा भूरा बीच में चलते रहो, बहुत और भाई हमारा क्या नाम है कल का टाइम ट्रायल है, तुम्हें सब पता ही है, आज 30 मिनट लॉन्ग इसीलिए हो रही है कि कल का टाइम ट्रायल है भैया। और भाई बढ़िया टाइम ट्रायल होगा, दो ग्रुप में छुटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवे भाई, भागने वाले भी और देखने वाले भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दे भैया जितना भी हो सके, और भाई सब आवे टाइम ट्रायल देना, जिसकी भी भर्ती है सब आवे। और भाई ये जो 10 तारीख का रजिस्ट्रेशन निकल रहा है, वो भर्ती भी होगी भाई, जाना चाहिए सब है, कई साल से भर्ती ना आई है तो सभी भाइयों को जाना चाहिए, देखो जाके क्या होता है वहाँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और भर्ती की जानकारी हमारे भैया ने दे दी है और वीडियो के लास्ट में बता ही देंगे भैया जैसे भी है, तो आप वीडियो अंत तक देखें भाई, कहने का मतलब ये है वीडियो सारी देखें भाई, बहुत जानकारी मिलेगी अच्छी से अच्छी, तुम्हारे हित में मिलेगी, चलते रहो भाई। चलते रहो भाई, चलते रहो, बहुत बढ़िया।